उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली निकलना चाह रहे हैं, खुद से उनकी लड़ने की बात। वो भयभीत हैं, बिहार की जनता पलटू राम से बदला लेगा। बिहार को जो देश में इन्होंने कलंकित किया है, उस डर से वो तलाश रहे हैं कि कहां मेरी संभावना बनेगी दिल्ली के गलियारों में पहुंचने का। लेकिन बिहार के लोग जहां से भी जाएंगे, हर बिहारी जो बिहार के सांस्कृतिक विरासत को ठहराने का, कलंकित करने का काम किया, उनके विरुद्ध वहां जाके प्रचार करेंगे। ये कहा जा रहा है सुपौल में जिस तरह से एक एक्सीडेंट को, हत्या को एक्सीडेंट की बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो हत्या है। अभी कुछ लोग बताए कि फुल पैंट उल्टा पहनाया गया, तो प्रशासन को ईमानदारी के साथ बतानी चाहिए, पूरी जांच करनी चाहिए। हत्या है तो हत्यारा को पकड़ें, और एक्सीडेंट है तो वो भी स्पष्ट करें। ये भेद क्यों, उसके परिजन क्यों इस तरह से इस हत्या को दुर्घटना का करार देना। पूरी जांच पड़ताल कर करके हम एसपी से बात हुई है, हम इसको देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं कल जाऊंगा वहां। अमित शाह के किशनगंज पूर्णिया यात्रा को लेकर के यहाँ के सत्तारूढ़ दल बहुत आक्रोशित है, कह रहे हैं वहाँ माहौल बिगाड़ने वाले हैं, क्या क्या तरह के आरोप? देखिए, वो छोटे हृदय की सोच रखते हैं, जाति और धर्म से बाहर वो निकल ही नहीं सकते हैं। अरे, हम तो माँ भारती के संतान हैं, सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेके जा रहे हैं राष्ट्रवाद के कदम पर। जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वो माँ भारती का संतान है, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। लेकिन ये छोटे हृदय के लोग, जब भी कोई लीडर आएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, धड़कन बढ़ जाती है इनकी, लगती है मेरी दुकान पर ही कहीं ना कहीं हमला होगा। और इनकी तुष्टिकरण की दुकान पर हमला के डर से ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये मानसिकता बिहार को कहीं ना कहीं लज्जित करता है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए।